Hello students, in this video we have learned about the next important topic renal failure and hemodialysis. या इसको हम जनरली बोल सकते हैं artificial kidney. Before we started this lecture, we have already discussed how urine are formed. In the previous video, we have seen that different steps involved for the formation of urine. One is ultrafiltration. Second one is selective reabsorption and third one is आपका secretion. In this video, we have seen that renal failure. आप जानते होंगे कि in some persons due to infection or disease, जो kidney है kidney आपका काम करना बंद कर देती है. तो वह situation, जिस situation में आपकी kidney काम करना बंद कर देती है, वही process आपका क्या कहलाता है? Renal failure. और जब kidney काम करना बंद कर दे तो आप देखोगे कि बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में आपके नाइट्रोजनस वेस्ट सच लाइक यूरिया आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे. तो इस यूरिया को या इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए आपको एक हीमोडायलिसिस प्रोसेस की यूज पड़ती है, और या हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं जिसके द्वारा बॉडी से हम जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स है उस टॉक्सिक मटेरियल्स को हम रिमूव कर सकें. तो आप देखोगे कि जो भी आपके पर्सन्स हैं सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर, तो आप देखोगे कि जो ब्लड का लेवल है, ब्लड का लेवल में जो आपका यूरिया है, वह यूरिया आपका क्या होगा? बढ़ जाता है. एबनॉर्मल रूप से आपका यूरिया बढ़ जाता है, और उस यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? हीमोडायलिसिस. और यहाँ पर एक आपका मशीन यूज होता है, दैट इज द हीमोडायलाइजर मशीन्स, जिसको हम यूज करके ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं. अब हम बात करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मैकेनिज्म है आपकी डायलिसिस की. तो एज यू नो, जो भी पेशेंट है जिसकी किडनी आपकी नॉन फंक्शनल है या जिसकी किडनी काम करना बंद कर रही है, तो हम क्या करेंगे कि उस पेशेंट के जो भी ब्लड्स है उसके आर्टरी से ब्लड को हम लेंगे. लेने के बाद फिर उसको हम कूल करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे. कूल करने के बाद हम उसको मिक्स करते हैं, आपका एंटीकॉगुलेंट होता है हिपेरिन. हिपेरिन एज यू नो एंटीकॉगुलेंट, जो कि ब्लड को क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट करता है, कॉगुलेशन होने से रोकता है. तो उस हिपेरिन में उस पेशेंट के ब्लड को हम मिक्स करते हैं, देन उस ब्लड को फिर हम पंप करते हैं किसमें? आर्टिफिशियल किडनी में या हीमोडायलाइजर्स में, जहां पर उसमें छोटे छोटे आपके कुछ चैनल्स होते हैं जो कि एक तरह से डायलाइजिंग मेम्ब्रेन का काम करते हैं. तो जो भी आपके इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड है उसको पंप करते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी में. तो वह जो मशीन होगी उस मशीन में आपके क्या होंगे? चैनल्स होंगे जो एक तरह से आपके डायलाइजिंग मेम्ब्रेन का डायलाइजिंग मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं. अब क्या होगा कि जो भी आपके फ्लूइड्स हैं, जो भी आपका मशीन्स में जो फ्लूइड्स होगा उस फ्लूइड्स में आपके क्या होंगे? कुछ आपके स्मॉल सॉल्यूट्स होंगे, कुछ आपके मिनरल्स आयन होंगे, लेकिन कोई भी आपका उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, ये सारे आपके नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें आपके नहीं होते हैं. केवल आपके क्या होंगे? कुछ आपके सॉल्यूट्स होंगे और आपके मिनरल आयन्स होंगे. जो भी आपका ब्लड है पेशेंट का, वह आपका इसी मशीन में क्या करता है? आपका मूव करता है और फिर फर्दर आपका सेपरेट होता है. जो भी आपके पेशेंट के ब्लड है वह आपके मूविंग इनसाइड द मशीन, मशीन के अंदर जो होता है आपका मूव करते हैं, एंड केप्ट सेपरेट फ्रॉम डायलाइजिंग फ्लूइड्स. और डायलाइजिंग फ्लूइड्स से फिर आपके क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं. किस के द्वारा? थ्रू सेलोफोन मेम्ब्रेन. सेलोफोन मेम्ब्रेन के द्वारा वो आपके सेपरेट होते हैं. अब क्या होगा? अब यहां देखेंगे कि चूंकि जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है अक्रॉस टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आउटसाइड और मेम्ब्रेन के इनसाइड जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, जिसके कारण क्या होगा कि जो भी वेस्ट है वो डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम ब्लड टू द डायलाइजिंग फ्लूइड. मतलब जो भी आपके डायलाइजिंग फ्लूइड्स हैं वहां पर जो भी आपके ब्लड है वो आपके डायलाइजिंग फ्लूइड्स में आपके डिफ्यूज रहेंगे वेस्ट जो है, और अक्रॉस द सेलोफोन मेम्ब्रेन के द्वारा जो भी आपके ब्लड्स होंगे वो आपके डिफ्यूज हो जाते हैं. इन दिस वे
आप देखोगे जो ब्लड होता है आपका क्लियर होगा और उस ब्लड से जो भी आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वह नाइट्रोजनस वेस्ट आपके बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। यह आपका ओवरऑल प्रोसेस होगा आपका डायलिसिस का। थैंक यू।